कारण और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में भूमि विवाद को लेकर हत्याओं का दौर जारी है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चौकना रामचंद्र गांव में बरसात की पानी बहाने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। चौकना रामचंद्र गांव के रामबदन मौर्य और सुशीला पड़ोसी हैं। दोनों के बीच भूमि विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। गुरुवार को दोपहर बाद तेज बारिश से जल जमाव होने लगा तो सुशीला ने अपने घर के सामने मिट्टी डालकर पाट दिया तो बारिश का पानी रामबदन के घर में घुसने लगा। बताया जा रहा है कि घर में पानी घुसता देख रामबदन की पत्नी भानुमती मिट्टी को हटाने लगी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडा लोहे की राड से भानुमती के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे भानुमती गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजनों ने घायल भानुमती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ जी ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश जारी है। इसी क्रम में घटना में शामिल चारों वांछित अभियुक्तों को गोविंद मौर्य, गौतम मौर्य, अजय मौर्य, पुत्र सीताराम मौर्य, सुशीला देवी पत्नी सीताराम मौर्य को मुखबिर खास की सूचना पर सरदहा बाजा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर, एक महाराजगंज में एक हत्या का मामला सामने आया, क्या मामला? कल दिनांक 18/6 को महाराजगंज थाना क्षेत्र में बारिश के पानी को निकालने को लेकर के दो पड़ोसियों में विवाद हुआ था, जिसमें लाठी डंडे की से मारपीट हुई थी। उसमें दौरान इलाज एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में नियमानुसार थाना महाराजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।